दोस्तों क्या आपको पता है कि किस देश में अभी तक सबसे ज्यादा एयरपोर्ट है? वैसे दोस्तों किसी भी देश के लिए एयरपोर्ट का एक विशेष महत्व होता है, क्योंकि अभी के समय में किसी भी देश की तरक्की के बारे में उनके यहाँ के एयरपोर्ट से अंदाजा लगाया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों हवाई सफर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें हम अपने सामान को जल्द से जल्द दुनिया के किसी भी कोने में पहुँचा सकते हैं और साथ ही हम खुद भी एक जगह से दूसरी जगह तक जल्द से जल्द पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस देश में सबसे ज्यादा एयरपोर्ट्स हैं। दोस्तों इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर है रूस। दोस्तों रूस में 1218 कुल एयरपोर्ट है। वैसे दोस्तों हम सबको पता है कि रूस भी एक बड़ा देश है और रूस की कुल आबादी करीब 146 मिलियन है। दोस्तों रूस में स्थित मॉस्को का सबसे बड़ा और सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट का नाम शेरेमेथियोवो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। दोस्तों 2017 के हिसाब से इस एयरपोर्ट में लगभग 40.1 मिलियन पैसेंजर और करीब 30,800 प्लेन की आवाजाही को संभाला है और साथ ही अगले साल 2018 में इस एयरपोर्ट पर 45.8 मिलियन पैसेंजर 14.3% के हिसाब से और बढ़े हैं और हर साल 15.6% के हिसाब से पैसेंजर और बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिस्ट पर 4 नंबर पर है कनाडा। दोस्तों कनाडा में 1467 एयरपोर्ट है। वैसे दोस्तों कनाडा की गिनती दुनिया के विकसित देशों में की जाती है और कनाडा को झीलों का देश भी कहा जाता है, क्योंकि दुनिया का करीब 20% पानी कनाडा की झीलों में ही पाया जाता है और हर साल लाखों पर्यटक यहां घूमने आते हैं। वैसे कनाडा की कुल आबादी 38 करोड़ है। दोस्तों वैसे कनाडा के सबसे बिजी एयरपोर्ट की बात करें तो कनाडा के सबसे बिजी में दो एयरपोर्ट का नाम लिया जाता है। पहला है टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसमें साल 2020 के हिसाब से 1,33,00,000 पैसेंजर को संभाला है, और दूसरे नंबर पर है वैंक्यूवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसने साल 2020 के हिसाब से करीब 73,00,000 पैसेंजर ने इस एयरपोर्ट से अपनी जर्नी की है। तो दोस्तों नंबर 3 पर है मेक्सिको। दोस्तों मेक्सिको में 1714 एयरपोर्ट है और दोस्तों मेक्सिको दुनिया का 11वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है। वैसे दोस्तों मेक्सिको की कुल आबादी 13 करोड़ के आसपास है और दोस्तों केरेंजा में स्थित मेक्सिको सिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस देश का सबसे बिजी एयरपोर्ट है, जो कि 2020 के हिसाब से इस एयरपोर्ट पर लगभग 2,19,00,000 पैसेंजर ने इस एयरपोर्ट से अपनी जर्नी की है। तो दोस्तों नंबर 2 पर है ब्राजील। दोस्तों ब्राजील में 4,093 कुल एयरपोर्ट है और दोस्तों ब्राजील दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है, जिसकी कुल आबादी 20 करोड़ के आसपास है, और इस देश में सबसे बिजी एयरपोर्ट की बात करें तो वो है बोया विस्ता एटलस ब्राजील कैंटेनहेड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और दोस्तों नंबर 1 पर जगह बनाई है दुनिया के सबसे विकसित और दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका ने। वैसे दोस्तों अमेरिका ही दुनिया का एकमात्र देश है जहां सबसे ज्यादा एयरपोर्ट है, जो कि है 14,712 एयरपोर्ट। और दोस्तों सबसे बिजी एयरपोर्ट की बात करें तो वो है एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां पर हर दिन अनगिनत पैसेंजर जर्नी करते हैं, जो कि हर साल के हिसाब से करीब 100 मिलियन से ज्यादा लोग जर्नी करते हैं। और दोस्तों अब बात करते हैं अपने देश भारत की। दोस्तों भारत में मौजूदा समय में कुल 486 एयरपोर्ट है और इनमें से कुछ तो चालू हालत में भी नहीं है और इनमें से कुछ एयरपोर्ट का यूज सेना करती है। और दोस्तों आपको बता दूं कि भारत सरकार ने उड़ान योजना के तहत छोटे शहरों को वायुसेना से जोड़ने के लिए योजना बनाई है और इसके तहत बंद पड़े हवाई पट्टी और सेना के एयरबेस का इस्तेमाल नागरिक उड़ान के लिए किया जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।